सद्भावो विश्वस्य शिवं सदा गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूया जयो जयः कलंको गोवधोद्भूत प्रभो राष्ट्रादपैथुनः भूयाद् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मति परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमद् करपात्र चरण सर शिव पादुके वंदे संसिति सागर निपुतल लोक समुद्धार कारणी भूते श्रीमद् करपात्र चरण सर शिव पादुके वंदे शंभो हर हर त्युच्चैर महादेवेति गर्जनम सद्धर्म वर्त्म पांथानाम अस्माकं राजतां भुवि नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मूढ़ो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्र जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव इधर भी कुर्सी है इधर भी कुर्सी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव के नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
रामचरितमानस बालकांड मंगलाचरण संदर्भ प्रणवाऊ प्रथम व्रत के चरणा जा सुने व्रत जायन वरना रामचरण पंकज मन जासु लुगुद मधुप इव तजतन पासु नारायण नारायण नारायण। लगभग 50 वर्ष पूर्व पूज्य श्री उरियावादी महाभाग के आश्रम में, जहाँ तक ध्यान है, 9 महीने 8 घंटे नित्य भरत चरित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस बार स्वामी जी महाभाग की भावना और प्रेरणा के अनुसार भरत चरित करने का पुनः स्वावसर प्राप्त हुआ है। श्री राम भगवान से संबद्ध कई उपनिषदें हैं, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी उपनिषदें हैं जो साक्षात भगवान राम भद्र से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन उनमें मंगलाचरण राम भद्र को लेकर ही प्राप्त है। इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया पूज्य गुरुदेव स्वनाम धनी धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्र महाभाग ने। तारक ब्रह्म का नाम आपने सुना हुआ होगा। तारक माने तारने वाला, ब्रह्म माने शब्द, भगवान नाम। ओम और राम विशेषकर इन दोनों को तारक ब्रह्म कहा गया है। दार्शनिक धरातल पर जो ओम का अर्थ होता है, वही राम नाम का भी अर्थ होता है। भाव भावेश्वर मंदिर में 72 में 70 दिनों तक 1-1 घंटा नित्य ओम की सांकेतिक व्याख्या करने का अवसर सुलभ हुआ था। दार्शनिक धरातल पर तुरीय कल्प भगवान श्री राम भद्र सिद्ध होते हैं, प्रज्ञेश्वर कल्प भरत जी सिद्ध होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हिरण्यगर्भ और वैश्वानर तुल्य सदृश सिद्ध होते हैं। वेदांतों में तुरीय तत्व, प्राज्ञेश्वर तत्व, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर का वर्णन प्राप्त है मांडूक उपनिषद आदि में। तुरीय का अर्थ चतुर्थ होता है, चौथा। तुरीयम तिसु संततम माया संख्या तुरीयम, इन वचनों के अनुसार अनुगत तत्व तुरीय है। औपाधिक धरातल पर जिसका नाम प्राज्ञेश्वर होता है, रणगर्भ तेजस होता है, विश्व वैश्वानर होता है। श्री भरत जी को
प्रबुद्ध प्राज्ञ का अवतार दर्शन शास्त्रों में माना गया है, उपनिषदों में माना गया है। हम सनातन धर्मी वेदों को प्रमाण मानते हैं। वेदों के शिरोभाग का नाम उपनिषद है। समीपता से सन्निकटता से जो बंधन और बंधन के हेतुओं का अत्यंत उच्छेद कर दे उसका नाम उपनिषद है। उपनिषद शब्द की मीमांसा व्याख्या कठोपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस प्रकार की है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम ईशावास्योपनिषद है। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने उपोद्घात में एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया कि 39 अध्याय के बाद ईशावास्य आदि मंत्रों से युक्त 40वां अध्याय प्रारंभ है। ईशावास्यम इत्यादि मंत्र उपनिषद मान्य है। पूर्व पक्ष प्रस्थापित हुआ कि इन्हें उपनिषद क्यों कहें। पहला उत्तर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दिया कि ईशावास्यम आदि मंत्रों का विनियोग कर्म में नहीं है, ये मंत्र कर्मों में अविनियुक्त हैं। फिर पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि वेदों में बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ विनियोजक वचन नहीं है, लेकिन प्रकरण के बल पर उनको उपनिषद नहीं मानते, कर्मों में विनियुक्त ही मानते हैं। तब शंकराचार्य महाभाग ने उत्तर दिया कि जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन ईशावास्यम आदि मंत्रों के माध्यम से हुआ है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो सकता। उस प्रकार का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता सिद्ध नहीं हो सकता। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदि सूक्तम में कुल 7 मंत्र हैं, लेकिन उन 7 मंत्रों की उपनिषद संज्ञा नहीं है, क्योंकि वे कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त हो गए हैं। विनियोजक वचन का बहुत महत्व होता है। हम जानते हैं कि यमुना का विनियोग गंगा में हो जाता है, गंगा का विनियोग सागर में हो जाता है। दुबे घर की बेटी चौबे घर में त्रिवेदी के घर में चली गई, ब्याही गई, चतुर्वेदी त्रिवेदी कही जाती है, विनियोग हो गया। तो उपनिषद उसको कहते हैं जिन ब्राह्मण भाग आरण्यक भाग या मंत्र भाग का विनियोग कर्मों में न हुआ हो। विनियोजक वचन न होने के कारण और प्रतिपाद्य विषय कर्ता भोक्ता न होने के कारण तो हमने बताया कि भरत जी राम जी के अनुज हैं। राम भरत उधर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी के साथ लक्ष्मण हो जाते हैं, अनुगामी के रूप में राम जी को लक्ष्मण प्राप्त होते हैं। भरत जी के साथ शत्रुघ्न हो जाते हैं, राम जी के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित हैं भरत जी। हमारे यहाँ ब्रह्मा अवतार लेता है, क्योंकि वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है
वह जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण ही सिद्ध होता है। वैशेषिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, नैयायिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, शेषवर सांख्यवादी योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है। बाइबल और कुरान की सीमा में भी ईश्वर को ख्यापित किया गया है, गॉड, खुदा आदि नामों से। आजकल हमारे एक वचन पर खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, अल्लाह शब्द पर। अल्लाह शब्द संस्कृत का है, लघुमदी में समुद्रित भी है, अथर्ववेद में भी अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। अम्बा मातृशक्ति के अर्थ में अल्लाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अल्लाह बहुवचन में होता है, तो दस महाविद्या का नाम अल्लाह है, और भगवती आद्या पराचित स्वरूपा शक्ति का नाम अल्लाह है। इस पर आजकल खूब चैनल में जोरदार प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत यही है कि अल्लाह शब्द मातृशक्ति का, अम्बा का द्योतक है, संस्कृत का है। बहुवचन में रूप होता है अल्लाह। तो हमने कल परसों कहा था दस महाविद्या का नाम फिर अल्लाह हो जाता है। जितनी भी भाषाएं हैं वो गम स्थान तो संस्कृत ही मान्य है। हिंदी की यह विशेषता है कि इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी चार प्रकार के शब्दों का सन्निवेश है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के समान ही शब्द जो प्रयुक्त हो, वो तत्सम। अपभ्रंश कोटि के जो शब्द होते हैं तद्भव, क्षेत्रीय भाषा में जो बात कही जाती है, देशज और स्कूटर, रेल आदि, बस इत्यादि शब्द विदेशी हैं जो प्रयुक्त हो जाते हैं व्यवहार में। चार प्रकार के शब्द हिंदी में हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। जहाँ तक बन सके तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो दक्षिण भारत आदि में जो हिंदी कम जानते हैं वो भी सुगमता पूर्वक समझ लेते हैं, केवल विभक्ति का अंतर पड़ता है। एक हमारी शिष्या मानी जाती हैं, चूँकि वो अपनी को शिष्या कहती हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर, क्या नाम है, पुष्पा दीक्षित। आजकल विश्व में व्याकरण की उनके समान विदुषी शायद वही हैं, पुरुषों में भी उनके समान वैदुषी व्याकरण का उन्हीं के पास या दो चार के पास ही सिद्ध है। उन्होंने एक बार कहा, हमने एक बार कहा कि नदी शब्द, पर्वत शब्द, ये सब जो हैं जड़ता के द्योतक हैं, लेकिन संबोधन में भी इनका रूप चलता है। तो चौंक गई, उन्होंने कहा कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। हमने कहा कि अगर ये चेतन ना हो तो संबोधन व्यर्थ जाए। जड़ वस्तुओं को लेकर जो कर्तृत्व की बुद्धि बनती है या इस प्रकार का प्रयोग होता है, या छड़ी तुम पर बरसना ही चाहती है, बजरना ही चाहती है, किनारा अब टूटना ही चाहता है, गिरना ही चाहता है, गौण कर्तृत्व है। लेकिन हमारे यहाँ व्याकरण में नदी आदि जो जड़ वस्तु हैं उनका भी संबोधन में रूप चलता है। इससे सिद्ध होता है कि व्याकरणों को भी चेतन का विवर्त ही जगत मान्य है, जन कर्तु प्रकृति ही। व्याकरणों का यह सूत्र भी सिद्ध करता है कि जो परम तत्व है वह निमित्त उपादान
दोनों ही कारण सिद्ध होता है। तो हमारे यहाँ भगवान निमित्त अर्थात निर्माता भी सिद्ध होते हैं, उपादान अर्थात निर्मित होने वाले भी सिद्ध होते हैं। तदैक्षत सैक्षण चक्रे सो कामयत आदि वचनों के अनुसार भगवान जगत के निमित्त कारण या निर्माता सिद्ध होते हैं। बहुश्याम प्रजा या तदात्मान स्वयं अकरुत सर्वं खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वं आदि वचनों के अनुसार वे उपादान भी सिद्ध होते हैं। इसलिए जो वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व है वह नित्य है अर्थात कालकृत परिच्छेद शून्य है, विभु है देशकृत परिच्छेद शून्य है, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे वाराणसी में धर्म सम्राट स्वामी शिखर पाटी जी महाराज, उन्होंने कहा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, सांख्य के अनुसार, योग के अनुसार और पूर्व मीमांसा के अनुसार भी आत्मतत्व व्यापक है, विभु है और असंख्य है। शंकराचार्य जी आत्मतत्व को विभु मानते हुए एक मानते हैं। उनका कहना है कि उपाधिकृत भेद से ही काम चल जाए तो सचमुच में भेद मानने की आवश्यकता नहीं रहती। आकाश में उपाधिक भेद मानने से ही काम चलता है तो आकाश को स्वरूपता भिन्न भिन्न क्यों माने। मैंने कुतूहलवश कह दिया कि आपका कहना है कि आत्म तत्व व्यापक है, सभी आत्म तत्व व्यापक है, तो उन्होंने कहा नाखून के अग्रभाग पर असंख्य आत्म तत्व सन्निहित हैं क्योंकि सबके सब व्यापक हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, मैंने कहा एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? खूब हंसे महाराज प्रसन्न हुए। हमारा स्वभाव था और है अज्ञान को हम सुरक्षित नहीं रखते। बड़ी सभा में भी कोई विद्यार्थी क्यों ना हो कोई विषय जानता है मैं पूछ लेता हूँ, व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं रखता। उन्होंने एक वाक्य कहा कि व्यापक वस्तु जगह नहीं छेड़ती, मेरा वचन गांठ बांध लो। व्यावहारिक धरातल पर भी उनके इस कथन से हमने बहुत लाभ उठाया, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेड़ती। देशकृत परिचय शून्य वस्तु व्यापक वस्तु जगह नहीं छेड़ती, जो महान पुरुष होते हैं जगह नहीं छेड़ते। नहीं तो तू तो मैं यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं। जगह छेकना यही हुआ ना परिच्छिन्नता का द्योतक, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। तो आत्मतत्व नित्य है और क्या है विभु है, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है, कार्यकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त है, सदगण है चिदगण है आनंदगण है। जगत का निमित्त और उपादान कारण है, उपाधि धरातल पर विषय यह चल रहा था कि जिनके यहाँ ईश्वर परमात्मा का अस्तित्व मान्य है परंतु जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, जगत का भिन्न मित्तोपादान कारण से जो नहीं होता उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात अवतार लेते हैं और ले सकते हैं, यह विशेषता है। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, इसको व्यवहार में कैसे कहते हैं? व्यवहार में व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, मतलब यहाँ भी है वहाँ भी है वहाँ भी है कहाँ नहीं है, यही व्यवहार है। जिसका चित्त विकसित होता है वह मैं मेरे तू तेरे से पर होता है, यह रहूँगा रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं, यह भी जगह छेकना हुआ ना।
तो जगह नहीं छेकते, समाज आते हैं, सबके आश्रय बन जाते हैं, सबको आश्रय देने में समर्थ होते हैं, आश्रित नहीं होते। ये तुमने एक संकेत किया, इसलिए यह एक सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो उसको अणु परिमाण परिमित माने या महापरिमाण परिमित अत्यंत व्यापक माने, लेकिन यह सिद्धांत वैशेषिकों का है, नैयायिकों का है कि मध्यम परिमाण परिमित वस्तु अनित्य ही है, जैसे कि देहादि अनित्य है, सार्वभौम सिद्धांत है। मध्यम परिमाण परिमित वस्तु होती है वो नश्वर होती है, भवन है, शरीर आदि। किसी को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो अणु परिमाण परिमित या परम महत विभू मानना चाहिए, लेकिन इससे भी सूक्ष्म सिद्धांत यह है कि अणु परिमाण परिमित वस्तु भी होगी तो विभू का व्याप्य हो जाएगी। ये सरसों का दाना कल्पना कीजिए रखते हैं तो व्याप्य है, अणु परिमाण परिमित वस्तु भी व्याप्य होगी, जो विभू तत्व होगा वो व्यापक होगा। व्याप्य होते ही वो स्थूल सिद्ध हो जाएगा, स्थूल सिद्ध होते ही सावयव नश्वर सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अणुन नियान महत्व महियान सूक्ष्मता विभुता दोनों की अवधि चाहिए। दृष्टांत में आकाश सूक्ष्म भी है और विभु भी है, केवल सूक्ष्मता की अवधि मानेंगे तो उसकी व्याप्यता उसको स्थूल सिद्ध कर देगी। अतः अणोनियान महत्व महियान। तो अवतार का प्रकरण चल रहा है कि भरत जी प्रबुद्ध प्राज्ञ के ईश्वर के अवतार माने गए हैं, उपनिषदों में अवतार हैं। तुरीय आदि विभू समेत तुलसीदास जी ने लिखा, विभुन समेत विराज ही चारों देवियों के लिए। विभुन का अर्थ है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब के सब तत्व के अवतार। एक विचित्र बात है कि दर्शन ही इतिहास बनता है, प्राग ऐतिहासिक शब्द आजकल प्रथित है, वराह पुराण में भी प्राग ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। प्राग ऐतिहासिक शब्द आजकल है अर्थात आधुनिक व्यक्तियों को जो समझ में ना आवे उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के अभी अभिव्यक्ति के पूर्व जो है उसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। तो हमने संकेत किया कि इतिहास को समझने के लिए दर्शन का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आजकल जो इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते हैं उनको दर्शन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे फिर कहते हैं कि काल्पनिक ये सब गाथाएं। तो इतिहास को समझने के लिए दर्शन का ज्ञान चाहिए, और रामचरितमानस आदि को भी अवतार को भी समझने के लिए दर्शन का भी ज्ञान विपुल चाहिए। हमने कहा कि यहाँ पर तुरीय तत्व को तुरीय कल्प कहेंगे, विद्योपाधिक परमात्मा अवतीर्ण होते हैं, कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता मित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। भरत जी भी जीव नहीं हैं, प्रबुद्ध प्राज्ञ के अवतार हैं। अब रह गए शत्रुघ्न और लक्ष्मण, दुर्वा बालक का जन्म हो तो माँ के गर्भ में जिसका प्रवेश पहले होता है वो जी अतेज के रूप में जन्म उसका बाद में होता है। माँ के गर्भ में जिस जीव का प्रवेश बाद में होता है उसका जन्म पहले हो जाता है, इसलिए जन्म के दृष्टि से जुड़वा बच्चे में
जिसका जन्म पहले हुआ बड़ा माना जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति है कि वो छोटा होता है। इसलिए क्योंकि माँ के गर्भ में जिसका प्रवेश होगा, प्रसव का सिद्धांत है कि जन्म उसका बाद में होगा। इसी दृष्टि से लक्ष्मण जी बड़े हैं या शत्रुघ्न, तो दर्शन शास्त्रों में तुरी आदि का जहाँ वर्णन है, शत्रुघ्न जी को बड़ा भाई मान करके मान वर्णन किया गया। अब इस दर्शन को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक मनोविज्ञान तीव्र न हो। माँ के गर्भ में जिसका प्रवेश पहले होता है उसका जन्म माँ के गर्भ से बाद में होता है, जिसका प्रवेश बाद में होता है पहले होता है, यह व्यत्यास हो जाता है जन्म का यह सिद्धांत। ये सब दर्शन है। प्रणव प्रथम भरत के चरणा जासु ने मृत जाहिन वरना राम चरण पंकज मन जासु लोध मधु पीत न पासु। मैं भरत जी के चरण की अपनी ओर से चरण कमल के पराग मकरंद की भी कर सकते हैं वंदना प्रथम करता हूँ। प्रथम शब्द का प्रयोग किया, वंदम प्रथम प्रणवम प्रथम वंदम प्रथम प्रणवम प्रथम महेश्वर चरणा। महेश्वर ब्राह्मणों के चरण की वंदना करते समय भी तुलसीदास जी ने प्रथम शब्द का प्रयोग किया। भरत जी की वंदना पहले करें या ब्राह्मणों के चरण कमल की वंदना पहले करें, तो मर्यादा की रक्षा के लिए महेश्वर बहुत बढ़िया है। महेश्वर भूसुर महाभारत में लिखा है और शंकर भाष्य गीता की टीका में ब्राह्मणों के लिए भूसुर लिखा गया है। भौमा ब्रह्म, भौम पृथ्वी के देवता कौन है, ब्रह्म माने देवता, भौमा ब्रह्म ब्राह्मणों का नाम है, भूसुर महेश्वर ब्राह्मणों का नाम है। प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया, वंदम प्रथम महेश्वर चरणा। ब्राह्मण के लिए, अब ब्राह्मण की वंदना तुलसीदास जी ने मर्यादा की रक्षा के लिए पहले की, लेकिन भरत जी की वंदना करते समय भी प्रथम शब्द का प्रयोग किया। ब्राह्मणों के सदस्य ही भरत जी प्रथम वंदनीय हैं, या तो हुआ जिसको प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रथम वंद क्यों हैं, उनके चरण, चरण से लेना चाहिए चरण कमल और पराग मकरंद, चरण कमल या चरण भरत जी के वंदन, चरण की वंदना की जाती है। विशेषता दी जिन कारणों से भरत जी के चरण वंद्य हैं, प्रणम्य हैं, प्रणवों शब्द का प्रयोग है, प्रणाम करने योग्य हैं। जा सुने मृत जाइन वरना, जिनके जीवन में नेम और व्रत की पराकाष्ठा है, वाणी के द्वारा जिनके नेम और व्रत की चर्चा नहीं की जा सकती, अर्थात पूर्ण रूप से जिनका यशोगान नहीं किया जा सकता, जिनके जीवन में नियम और व्रत की पराकाष्ठा है, अगाधता के कारण अनंतता के कारण सर्वतोभावेन उनके नियम और व्रत की वन की मीमांसा नहीं की जा सकती, वर्णन का विषय नहीं है। चातक हमस सराहियत हम टेक विवेक विभूति, चातक की प्रशंसा होती है, नियम व्रत है, व्रत के स्थान पर टेक और विवेक, नियम और व्रत के स्थान पर हमने प्रयोग कर दिया टेक और विवेक। चातक के जीवन में टेक की विभूति होती है, हंस के जीवन में विवेक रूप विभूति होती है, टेक और विवेक के कारण चातक और हंस की प्रशंसा की जाती है। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति, जीवन में विभूति होनी चाहिए। विभूति का अर्थ क्या है, गीता के अनुसार क्रियासार भावसार वस्तुसार का नाम है विभूति। विभूति का अर्थ होता है भगवान के विविध रूपों में अभिव्यक्ति, विभूति का अर्थ होता है भगवान की सर्व रूपों में अभिव्यक्ति, लेकिन उनमें भी विशिष्ट अभिव्यक्ति का नाम विभूति है। बहुभवन सामर्थ्य संपन्न भगवान,
बहु शब्द का प्रयोग सर्व के अर्थ में भी होता है, बहु श्याम यहाँ बहु शब्द का प्रयोग है बहु, लेकिन सर्वम खलिदम ब्रह्म में सर्व शब्द का प्रयोग है। प्रसंगानुसार बहुभवन सामर्थ्य संपन्न भगवान सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न है, बहु माने बहुत विविध है, और वही सर्व शब्द का भी द्योतक हो जाता है। बहुश्याम और सर्वम खलिदम ब्रह्मम, एक में बहु शब्द का प्रयोग है, एक में सर्व शब्द का प्रयोग है। तो भगवान ही सर्व रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए क्रियासार वस्तुसार भावसार का नाम विभूति है। विभूति का अर्थ विशेष विशेष अभिव्यक्ति विभूति। टेक और विवेक चातक में टेक रूप विभूति होती है, प्रसिद्धि यही है। स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु पीऊँगा नहीं तो प्यासे मर जाऊँगा। जन स्वामी थे विपिन चंद्र सरस्वती, उन्होंने कहा ये सब फालतू बातें अंग्रेजी ही पढ़ने का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। भाषा अपने प्रभाव न डाले तो पाना कठिन। भाषा के माध्यम से उस प्रकार के साहित्य का अध्ययन होता है, उस प्रकार के साहित्य के अध्ययन से वैसा मन भी बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक अपना अनुभव लिखा बताया, वो छपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने कहा कि मैंने पाश्चात्य दर्शन पहले पढ़ा, बाद में भारतीय दर्शन को पढ़ा, तो भारतीय दर्शन को समझने में बहुत मुझे परेशानी हुई, कठिनाई हुई। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको प्राय उटपटांग लगता है सब। सबसे पहला दोष क्या कर दिखाते हैं, वो पुनरुक्ति, जो बोलो उस पर पुनरुक्ति। बहुत इनके वचन में है पुनरुक्ति, ये बीमारी होती। अंग्रेजी वाले प्रवचन सुन के ग्रंथ को पढ़ के कहते हैं पुनरुक्ति बहुत है पुनरुक्ति। शंकराचार्य महाभाग ने ईशावास्य उपनिषद के भाषा में क्या लिखा, दो मंत्रों को लेकर कहा कि वैदिक वाङ्मय में जो कुछ तथ्य उद्भाषित हुआ है दो मंत्रों के माध्यम से ही पर्याप्त है। व्याख्या की गई है भावांतर और शब्दांतर के द्वारा, नहीं तो दो के माध्यम से ही सारा वैदिक वाङ्मय कुंभित कर दिया गया पुनरुक्ति। लेकिन असकृत अभ्यासात, एक व्याकरण के विद्वान थे, पुनरुक्ति ना हो इसका बहुत ध्यान रखते थे। अब तब की हालत में हुए लोगों को मालूम पड़ा, पंडित जी राम 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 कहिए, अंतिम से रामा कह तो दिया, परावर्तन करते हुए बहुवचन में कह दिया रामा। और बहुवचन में कह दिया ना रामा, बार बार तंग करते हो राम 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 राम, बहुवचन में कह दिया। असकृत अभ्यास आते हैं क्या, भावना होती है ना, आयुर्वेद में भावना होती है। भांग को गांजे का रूप कैसे देते हैं लोग। मैं भांग तम्बाकू सबसे करोड़ों किलोमीटर दूर हूँ। मुजफ्फरनगर में एक आश्रम में था, उसके बाग में भांग के पौधे बहुत लगे होते थे। भंगेरी लोग आते फिर उनको तोड़ करके यों यों, ऐसे तम्बाकू है ना तम्बाकू, अगर 3 घंटे तक चून तम्बाकू लगा करके ऐसे ऐसे मालिश करेंगे, उसमें जो स्वाद होगा, मैं तम्बाकू मक नहीं पाता, वो स्वाद 2 मिनट में ऐसे करके दे देने पर नहीं होगा। भावना के द्वारा अंतर्निहित शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। होम्योपैथ में भी यही है ना, एक ही वस्तु इत्र जो निकालते हैं कहाँ, कन्नौज वाले इत्र, तो हमने संकेत किया असकृत अभ्यास, बार बार अभ्यास करते करते फिर निष्ठा बनती है। इसलिए भारत जी के चरण कमल की प्रथम वंदना की गई, विशेषता उनके जीवन में नेम और व्रत की पराकाष्ठा है। जासु नेम व्रत जाय न वर्णा, माने कथनी का विषय नहीं है, इतना ही महिमा है, इतना ही नेम है, इतना ही व्रत है, नहीं कह सकते। दो उदाहरण दिया चातक के जीवन में, तो हमने कह दिया उस समय के चातक आजकल नहीं जीवित होंगे, प्रजाति का लोप हो गया होगा। स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु ही पीऊँगा नहीं तो प्यासे मरूंगा, ये टेक विवेक हमस में
दूध और पानी मिला करके दें, पानी पानी छोड़ दे, दूध दूध को चट कर दे। मछली में भी विवेक की स्थिति होती है, दो में से एक को छोड़ के पी लेते, पूर्वाचार्य महाराज कहते थे। तो चातक और हम सराहियत टेक विवेक विभूति, और एक ही व्यक्ति के जीवन में कहीं टेक भी हो जाए या विवेक भी हो जाए तो फिर क्या कहने, विवेक तो है ही यहाँ। एक ही व्यक्ति के जीवन में टेक और विवेक दोनों विभूति हो जाए तो दिव्यता उसके जीवन में होती है। जा सुने व्रत जाय न बढ़ना, जीवन को सार्थक करने के लिए, विशद करने के लिए, अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध करने के लिए नियम और व्रत अवश्य होना चाहिए। मेरे जीवन में कोई नियम नहीं, मेरे जीवन में कोई व्रत नहीं, तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ या नहीं। इसलिए नियम और व्रत, नियम भी होना चाहिए, व्रत भी होना चाहिए। टाक जैसे चातक और हंस में, टेक की विभूति चातक में है, विवेक की विभूति हंस में है, दोनों विभूति से मंडित जिसका जीवन होता है, टेक के स्थान पर टेक, विवेक के स्थान पर विवेक, वसरानी होता है। अब रामचरण पंकज मन जासु लबुध मधु पीबता जतन पासु, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने मुग्धा शक्ति का परिचय देते हुए कहा, मेरे जीवन में कभी ऐसे सौभाग्य का उदय होगा, मेरे जीवन में कभी ऐसे सौभाग्य का उदय होगा कि रामचरण पंकज मन जासु लुब्ध मधु पीबत जतन पासु, ऐसी स्थिति होगी अर्थात भगवान राम भद्र के चरण कमल में अपने मन रूपी मधु को प्रतिज्ञा पूर्वक बसा सकूंगा, कबहू कहो यह रहने रहूँगो, श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। ऐसे ही भगवान राम भद्र के तजत लुबुध इव मधु, तजत लुबुध इव न पासु जासु नेम व्रत जाय न वर्णा, रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधु इव तजत न पासु, मैं प्रति मन मधुकर पन कह तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ, भगवान राम भद्र के चरण कमल में मन रूपी भंवरा को प्रतिज्ञा पूर्वक बसाने का सौभाग्य कभी मुझे सुलभ होगा। वहाँ कामना व्यक्त की, मनोरथ व्यक्त किया भरत जी के जीवन में, वो कामना मनोरथ साकार है। मुग्धा नाम की शक्ति होती है, एक बार में पूज गुरुदेव से पढ़ के 3 किलोमीटर दूर ठहरा हुआ था काशी में, वहाँ आ रहा था, रास्ते में देखा कि बच्चों के खिलौने के दुकान, तो हमने शिक्षा ली मन ही मन, बच्चों में मुग्धा नाम की शक्ति ना हो तो खिलौने बेचने वालों की जीविका कैसे चले। क्या बच्चों में मुग्धा नाम की शक्ति ना हो तो खिलौने बेचने वालों की जीविका कैसे चले, ऐसे ही समझना चाहिए। मुग्धा नाम की शक्ति तो भगवान की कृपा से जीवों को मुग्धा नाम की शक्ति प्राप्त है। तो वहाँ पर तुलसीदास जी ने हृदय की भावना व्यक्त की कि राम जी के चरण कमल में अपने मन रूपी मधुकर को क्या बसा सकूंगा, तो राम जी के चरण कमल में, तो तुलसीदास जी का मन क्या राम जी के चरण कमल में मधु के समान बसा हुआ नहीं था। यही भक्तों की महिमा होती है कि भगवान के द्वारा दी गई उनको मुग्धा नाम की शक्ति सुलभ होती है। मुग्धा नाम की शक्ति सुलभ होने के कारण कभी अहंकार नहीं होता। बड़ा ही निरंतर हो ही न पूरे, मुग्धा नाम की शक्ति जब हो जाए ना, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, बस विद्वान विद्वान बहुत हूँ, पंडित बहुत हूँ, हो गया संकीर्णता का द्योतक। परिच्छिन्न आम के घर में जो विभूति आ जाती है वो असुर बना देती है। इसलिए रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधु पीबत जतन पासु, रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधु पीबत जतन पासु, भगवान राम भद्र के चरण कमल में लुब्ध भ्रमर के समान भरत जी का मन
टिका हुआ है, क्षण भर के लिए भी परित्याग नहीं करता। मन मधुकर पन कह तुलसी रघुपति पद कमल बसई हम। मन मधुकर, मन बढ़िया है, एक नाम है कर्तृत्व प्रधान, एक नाम है भोक्तृत्व प्रधान। मधुकर जब कहते हैं तो कर्तृत्व प्रधान नाम है, मधुप कहते हैं तो भोक्तृत्व प्रधान नाम है। पर्यायवाचक शब्दों में भी अवान्तर भेद होता है, मधुकर और मधुप में क्या अंतर हुआ। मधुकर कर्तृत्व प्रधान नाम है, मधु का कर्ता, मधुप भोक्तृत्व प्रधान नाम है। तो यहाँ पर लोबु लोबुद मधुप इव तजत न पासु, लुब्ध भ्रमर के समान भगवान राम भद्र के चरण कमलों में भरत जी का मन निमग्न है। भगवत चरण अरविंद में मन निमग्न हो, ये जीवन की सार्थकता है। भगवान कौन है, अनाग्रहात पंकज आदि कहकर गौड़ी संप्रदाय ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। ऐसा कमल अनाग्रहात भ्रमर मंडली ने भी या किसी भ्रमर ने भी जिसका आग्रहण न किया हो, अनाग्रहात पंकज आदि कहकर गौरी संप्रदाय के संतों ने भगवान के चरण कमल का या स्वरूप का वर्णन किया। यहाँ केवल चरण कमल ही नहीं, पूरा स्वरूप। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद पद कंजारुणम, समस्त विग्रह ही अनाग्रहात पंकज। अनाग्रहात माने ऐसा पंकज किसी भ्रमर ने, मनोमिलिंद ने जिसका आस्वादन ही न किया हो। प्रत्यभिज्ञा का विषय नहीं होता भगवान का जो श्री विग्रह है वो प्रत्यभिज्ञा का विषय नहीं होता। लक्ष्मी जी श्रीमन नारायण के पाद पद्मों का संवाहन करती। एक बार शनकादि खड़े थे, भगवान राम भगवान श्रीमन नारायण ने अंतर्यामी होने के कारण जान लिया कि कुछ जानने की इच्छा से आए हैं। लक्ष्मी जी से कहा कि शनकादि खड़े हैं, कोई प्रश्न करेंगे उत्तर दे देना। माता जी आप तो भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के चरण कमल का संवाहन करती हैं, कितने सुकोमल हैं, रुकिए फिर बताती हूँ आके। घंटों बीत गए, लक्ष्मी जी लौटी नहीं। लक्ष्मी जी भी झूठ बोलती हैं, ऐसा तो नहीं सोच सकते थे। सोचा कि प्रश्न करने में ही भूल है कोई कह सकता है भगवान इतने ही कोमल हैं, नहीं कह सकते। इतने ही सरस हैं, नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है, प्रत्यभिज्ञा का विषय भगवत विग्रह नहीं बनता। इतने ही सुगंध, इतने ही रस, इतने ही शब्द, इतने ही स्पर्श, नहीं, प्रत्यभिज्ञा का विषय भगवान का विग्रह नहीं बनता। अमित है, अगाध, अनंत है। जो जो व्यक्ति का चित्त परिमार्जित होता जाता है, विशुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों उत्तरोत्तर अधिक सौंदर्य माधुर्य सौरस इत्यादि की अभिव्यक्ति हो जाती है। कोई कह नहीं सकता है कि कितने सुंदर भगवान हैं, कितने मधुर भगवान हैं, कितने पराकाष्ठा, क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह होता है वो कर्म का फल नहीं होता। जो कर्म का फल होता है सीमित होता है। मुंडक आदि उपनिषद के अनुसार, नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार कर्म का फल जो होगा सीमित होगा। भगवत विग्रह कर्म का फल नहीं होता। निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल, भगवान अपनी इच्छा से ही अविद्या काम कर्म के वशीभूत हुए बिना ही भक्तों को कृतार्थ करने के लिए सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त होते हैं। भगवान का जो श्री विग्रह होता है चिदानंदमय देह तुम्हारी, यहाँ विकट बात है। यहाँ पर भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलता है। एक बात है, भूतों के गुण, भूत माने पंचभूत, पंचभूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हों
उसको तो भौतिक मानना चाहिए, एक नियम हुआ। जैसे कि कचौरी, पुष्प इत्यादि से शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है, तो ये पदार्थ जो है भौतिक है। भगवत विग्रह भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में भोग्य होता है, अभिव्यंग सिद्ध होता है। भगवत विग्रह से भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध अभिव्यक्त होते हैं, उनकी भौतिकता क्यों न मानी जाए, यहाँ पर सावधान होकर सुनने की आवश्यकता। श्रीमद् भागवत में विराट पुरुष का वर्णन किया गया और अंत में लिखा गया नाना अवतार, भगवान के विविध अवतारों का बीज है, मूल स्वरूप है। इसलिए भागवत पढ़ने वाले भी प्रायः भ्रमित हो जाते हैं कि विराट के ही अवतार होते हैं श्री रामकृष्ण आदि, तुरीय तत्व अवतार नहीं ले सकता, विराट के ही अवतार होते हैं, स्थूलोपाधिक सूक्ष्मोपाधिक विराट के ही सब रामकृष्ण आदि अवतार हैं। फिर दूसरी बात यह है कि भगवत विग्रह भी भोग्य बनेगा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ही भोग्य बनेगा, तो भौतिकता भगवान की सिद्ध हो गई। तो फिर कहेंगे कि दिव्याति दिव्य पृथ्वी जल तेज वायु से भगवान के श्री विग्रह की संरचना होती है, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह भौतिक न होता तो भूत सुलभ शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उससे अभिव्यक्ति न होती। सब शब्द तो चलता है लेकिन सावधान होकर भगवान के अवतार का स्वरूप समझना चाहिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ। एक सार्वभौम सिद्धांत है कि हमारा आपका मन असप्त धातुमय है। मन सप्त धातुमय नहीं है तो मन नहीं पड़ेगा। नहीं भौतिक मानते हैं वेदांती न्यायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार अभौतिक ही सिद्ध होते हैं, अपनी अपनी गाथा है, अपना अपना प्रस्थान है। लेकिन सर्वसम्मत सिद्धांत है कि मन सप्त धातुमय नहीं है, लेकिन स्वप्नावस्था में जो हमको अंतश्चिंतित वपु की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति होती है, वो तो मनोमय ही है ना। स्वप्नावस्था के शरीर को कोई ठाई कर दे, स्वप्नावस्था का आतंकवादी उग्रवादी, या स्वप्नावस्था का शरीर ठेस लगने पर गिर पड़े, उसे रक्तस्राव हो, तब नींद टूटने पर कहेंगे कि आज तो स्वप्न में गिरने से बहुत चोट लगी, स्वप्न के शरीर से रक्त स्राव हुआ। अब विचार करना है कि स्वप्न का शरीर कोई सप्त धातुमय होता है क्या? अगर सप्त धातुमय नहीं होता तो रक्तस्राव कैसे हुआ? अगर सप्त धातुमय होता ही है तो स्वप्न कैसे हुआ? अब इसका उत्तर क्या देंगे? क्योंकि मन सप्त धातुमय नहीं है, सार्वभौम सिद्धांत है। इसलिए मनोमय जो स्वप्नावस्था का शरीर होता है वह भी सप्त धातुमय नहीं होता, सदा तद्भाव भावित होने के कारण, वासना की प्रगल्भता के कारण ही स्वप्नावस्था के शरीर को हम लोग सप्त धातुमय मान लेते हैं, न कि होता है। ऐसे ही भूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हों उसको भौतिक समझना चाहिए। सामान्य नियम सप्त धातु में किसी भी धातु की जिससे अभिव्यक्ति हो उसको सप्त धातु मानना चाहिए, यह भी प्रातीतिक है। स्वप्नावस्था का जो मन होता है सप्त, जागृत में भी मन सप्त धातुमय नहीं है, लेकिन स्वप्नावस्था का मन ही शरीर का रूप धारण करता है, शरीर को ठोकर लगने पर रक्तस्राव होता है, तो प्रातीतिक है। इसको शंकराचार्य ने क्या लिखा? चक्षुर्बंध दृष्टिबंध दृष्टिर्बंध चक्षुर्बंध सदा तद्भाव भावित होने के कारण, यद्यप स्वप्नावस्था में सुलभ हमारा आपका जो शरीर है वह सप्त धातुमय नहीं होता, लेकिन वासना की प्रगल्भता से जागरनिष्ठ जागृत में रहने वाली
जो अनुभूति है उसकी प्रगल्भता से हम स्वप्नावस्था के शरीर को भी सप्त धातुमय मान लेते हैं। ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान का जो विग्रह होता है उससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन भगवान का विग्रह अभौतिक होता है। भूतों के गुण उससे अभिव्यक्त होने पर भी उनका से विग्रह भौतिक उसी प्रकार होता है जैसे कि स्वप्नावस्था के शरीर से सप्त धातुओं की अभिव्यक्ति होने पर भी स्वप्नावस्था का शरीर जो होता है प्रामाणिक रीति से विचार करने पर असप्त धातुमय ही होता है। या तो भगवान के श्री विग्रह जो हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान के विग्रह का उपादान कारण कौन होगा, निमित्त कारण कौन होगा। यद्यपि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा, गौड़ी संप्रदाय के विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा, भगवान के विग्रह को लक्ष्य करके कुछ कहना ये सब ठीक नहीं, तर्कना शक्ति का प्रयोग करना ये ठीक नहीं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में तर्कना शक्ति होती है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के लिखने से कोई मान थोड़े जाएगा। तो भगवान का जो विग्रह होता है उसका निमित्त कारण कौन, उपादान कारण कौन, मुँह बंद करके मारना तो ठीक नहीं है, प्रश्न तो उठता ही है। एक प्रकाशानंद जी दंडी स्वामी थे, अब शरीर नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मचारी थे पहले, गढ़वाल का उनका शरीर था। महाराज से संन्यास की भावना व्यक्त की, महाराज ने मना कर दिया, तो महाराज के भी गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ले ली, संन्यास प्राप्त किया। वे 72 में आनंद वृंदावन में थे, पंचदशी पर प्रवचन करते, पंचदशी के अच्छे विद्वान माने जाते। मैं 72 में ही आया था वृंदावन, प्रवचन सुनने के बाद, शंकराचार्य नहीं था, 74 हुआ, तो दंडी स्वामी भी नहीं था, ब्रह्मचारी था। जब उतरने लगे मैंने प्रश्न कर दिया, आए अनधिकारी कहाँ के, डांट दिया। उनके डांट खा के भी हमने समझा कि इनको हमारे प्रश्न का उत्तर आता नहीं। पहले कह देते थे अनधिकारी कहाँ के, बेचारे चुप हो जाते थे व्यक्ति, आज जिसको कहेंगे अरे अनधिकारी कहाँ को, समझेगा कि इनको इस प्रश्न का उत्तर आता नहीं। हमने संकेत किया तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि भगवत विग्रह को लेकर प्रश्नोत्तर उचित नहीं, परंतु प्रश्न करने वाले कर ही देते हैं। तो भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसका निमित्त कारण कौन, उपादान कारण कौन, अडोल अविकम्प आस्था की भावना से इन सब बातों को ख्यापित करना आवश्यक है। अडोल अविकम्प, विनोबा जी ने अडोल शब्द का प्रयोग किया गीता में, अविकम्प सो विकम्पे न योगे न एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वता स्व विकम्पे न योगे न युध्यते नात्र संशया। भगवत विग्रह तो बहुत बढ़िया, शंकराचार्य महाभाग ने एक वाक्य लिखा है जो विज्ञान दर्शन दोनों दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता, जल क्यों शीतल अग्नि क्यों दाहक ऐसा प्रश्न नहीं होता, सिंह में क्रूरता क्यों ऐसा प्रश्न नहीं होता, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। अग्नि क्यों दाहक, जल क्यों शीतल, अग्नि क्यों दाहक, स्वभाव से स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। भगवत विग्रह को लेकर भी प्रश्न उठता है कि भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण कौन, निमित्त कारण कौन। तो जल का उदाहरण देते हैं, जल शीतल क्यों, इसका उत्तर क्या होगा, जल में जो शीतलता है अनागंतुक का स्वभाव सिद्ध है, लेकिन ऋतु के योग से जलगत शैत्य की प्रगल्भता की दशा में जब हिम का रूप धारण कर लेता है, बर्फ का रूप धारण कर लेता है जल, तब क्या होगा जी, उसमें निमित्त कारण कौन होगा,
वायुमंडल निमित्त कारण मान सकते हैं, ऋतु को निमित्त कारण मान सकते हैं, लेकिन हिम का रूप धारण करेगा तो हिम का उपादान कारण तो जल ही अनागंतुक शैत्य को ही मानना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान का जो शिव विग्रह होता है उसका उपादान सच्चिदानंद तत्व ही होता है। जैसे बर्फ हिम का मौलिक स्वरूप जल ही है, इसी प्रकार भगवान का जो शिव विग्रह होता है उसका उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही होता है। और निमित्त कारण कौन होता? विशुद्ध सत्वात्मिका माया को हम निमित्त कारण मानते हैं। इस ढंग से भगवत विग्रह का वर्णन करने पर भगवान के महत्व को हम समझ सकते हैं। भाई नाना अवतारम वाली बात आ जाएगी, विराट का ही अवतार हम श्री कृष्ण आदि को ही मान लेंगे, उनके शरीर में भौतिकता की भावना आ जाएगी। आनंद गिरी जी ने भी भगवत विग्रह के लिए भौतिक शब्द का ही प्रयोग किया है। बुद्ध गुरुदेव पढ़ा रहे थे, उन बहुत शीलवान थे, तो हमने कहा कि क्या आप इससे सहमत हैं? आनंद गिरी जी ने दिव्याति दिव्य पंचभूतों से विनिर्मित भगवान का श्री विग्रह है। महाराज ने मुस्कुरा दिया, बड़ों का खंडन उचित नहीं, आनंद गिरी जी ने भी भगवान के विग्रह को भौतिक ही माना है। क्यों माना? पंचदशी करने की युक्ति दी है, भूतों के गुण जिसमें परिलक्षित हों उसको भौतिक समझना चाहिए, तो इसका खंडन हमने किया। क्या किया? जिससे सप्त धातु में किसी धातु की निष्पत्ति हो उसको सप्त धातु समझना चाहिए, तो स्वप्नावस्था का शरीर भी फिर सप्त धातुमय होना चाहिए। प्रातीतिक है, चक्षुर्बंद है, जब मन ही सप्त धातुमय नहीं है तो मनोमय जो स्वप्नावस्था का शरीर होता है वो भी सप्त धातुमय नहीं है। इसी प्रकार यह नियम कोई शाश्वत नहीं है, भूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हो उनको भौतिक समझना चाहिए। भगवत विग्रह भी, भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनका जो श्री विग्रह होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच रूपों में ही अभिव्यक्त होता है। पूरी जो सृष्टि है अष्टधा प्रकृति का विलास होने के कारण आठ रूपों में परिणत हो जाती है। पंचदशी पहला प्रकरण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह, ये अष्टधा प्रकृति का विलास। अष्टधा प्रकृति का विलास जो यह जगत है आठ रूपों में परिणत होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध अहंतत्व महत्त्व अव्यक्त सुख दुख और मोह, आठ रूपों में अष्टधा प्रकृति का कार्य जो जगत है उल्लसित होता है। इसी प्रकार से कोई कह सकता है कि भगवत विग्रह अगर भौतिक न होता तो भगवत विग्रह से दिव्य सही शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति कैसे होती? तो विद्या से ही पंचभूतों की अभिव्यक्ति मान लें, मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति से नहीं, विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति से ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की अभिव्यक्ति मान लें तो भगवान का विग्रह भौतिक भी सिद्ध हो जाएगा, दिव्य भी सिद्ध हो जाएगा। उसका उत्तर हम देते हैं, जैसे स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है असप्त धातुमय होने पर भी सप्त धातु की उससे निष्पत्ति होती है, लेकिन चूँकि वो मनोमय होता है, मन असप्त धातुमय है, इसलिए स्वप्नावस्था का शरीर भी असप्त धातुमय ही होता है। या कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है कि भूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हो वही भौतिक होता है। मान लिया भगवत विग्रह से भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन बहुत बढ़िया, एक श्री वैष्णवाचार्य थे श्री रामानुजाचार्य, दैव योग से पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग की माता के दीक्षा गुरु थे। तो स्वामी जी बहुत विनोदी थे, स्वामी अखंडानंद में सात्विक विनोद बहुत करते थे, तो उन्होंने अपने माता के गुरु जी से कहा, महाराज भगवान अपनी नखमण चंद्रिका से देख सकते हैं या नहीं? क्या बात करते हैं, नखमण चंद्रिका से देखना तो नहीं संभव। मुस्कुरा दिया स्वामी जी ने। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि, भगवान का जो विग्रह है ना, क्या उसमें प्रातीतिक अंग प्रत्यंग है ना, हर अंग से हर कार्य की सिद्धि हो सकती है या नहीं?
वहाँ भी प्राकृतिक भगवान भी नेत्रों से ही देखने वाले माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्वे सर्वमया उपनिषदों का वचन है। ये भी एक विचित्र है, भगवान नखमणि चंद्रिका से भी नखमणि से भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विचित्रता है। सामान्य नीति रीति है, प्राकृतिक भगवान भी नेत्र से ही देखते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति कह सकता है कि भूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हो वो भौतिक समय हो गया, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। सप्त धातुमय मन नहीं होता है, लेकिन मनोमय जो स्वप्नावस्था का शरीर होता है, स्वप्नावस्था का शरीर कहने पर मनोराज्य का शरीर कहने पर दोनों में अंतर क्या है? मनोराज्य का शरीर मन की सीमा का अतिक्रमण करके स्थित नहीं है, वो तो केवल प्राकृतिक है, लेकिन स्वप्नावस्था में तत्त्व पदार्थ के रूप में मन अभिव्यक्त भी होता है। इसलिए मनोराज्य के शरीर में स्वप्नावस्था के शरीर में अंतर है। एक संकेत करके वचन को विराम देते हैं। त्यागा शांतिरनंतरम, अनंत वृंदावन में भी इसको छू के छोड़ दिया था, रपट पड़े तो हरि गंगा, अनिच्छन्न भी त्याग हो जाए तो उसका लाभ होता है। पूर्व शरीर को, पूर्व जन्म के शरीर को हम लोग भले ही न छोड़ना चाहते हों, छूट गया उसका लाभ है। पूर्व जन्म के रिश्तेदार नातेदार दुकान मकान किसी का ज्ञान नहीं है तो लाभ हुआ या नहीं? एक ही जन के रिश्तेदार नातेदार क्यों उत्पीड़ित करते हैं? पूर्व जन के भी रिश्तेदार नातेदार ये सब सामने होते तो क्या दशा होती? तो न चाहने पर भी मौत का उपहार हमको प्राप्त हुआ या नहीं? न चाहने पर भी अनिच्छन्न भी निद्रा आ जाए तो स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का त्याग हो जाने के कारण स्वप्नावस्था में हम पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश की रचना कर देते हैं। हम कर देते हैं मन सबके सब, आप में भी वो क्षमता है, स्थावर प्राणी जंगम प्राणी की रचना कर देते हैं। स्वप्नावस्था में जो हमको यह सिद्धि मिलती है उसको कोई जागृत में उतार ले कितना बड़ा सिद्ध हो जाए। स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच से अतिक्रांत होने पर इतना बल और वेग हमको प्राप्त होता है कि स्वप्नावस्था में आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निर्जित मन के योग से हम स्वयं ही पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर देते हैं। वेदांत सुनना चाहिए तो उसको उतारना भी चाहिए ना, बहुत ऊंची बात है। एक हेलीकॉप्टर से वादी ना चला जाए, पार तो हो गया सब घाटियों को। द्रुत अपवाद के बाद भी एक के घाटी का ज्ञान होना चाहिए। द्रुत अपवाद करने वाले को पृथ्वी आदि से सिद्धि जो प्राप्त होनी चाहिए नहीं होती। पृथ्वी का अतिक्रमण कर गया कोई आपोमय अपने को समझने लगा तो पृथ्वी के गुण और पृथ्वी के संचालन को उसमें क्षमता आनी चाहिए। आजकल वो ढंग से वेदांत पढ़ाने की प्रक्रिया ही विलुप्त है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, जमानी जमाखट। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन सब से अतिक्रांत हम तत्व महातत्व अव्यक्त से अतिक्रांत आत्म तत्व को अगर जाना अष्टधा प्रकृति को नियमित करने का नियंत्रित करने का बल वेग आना चाहिए या नहीं? अधिक न कहकर आर्किमेडिस की बात हमने वहाँ छेड़ी थी। आर्किमेडिस ने क्या लिखा? मुझे पृथ्वी का सेंटर केंद्र मालूम पड़ जाए तो पृथ्वी को उठा दूँ। ऋग्वेद के भू सूक्तम दशम मंडल में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है या नहीं? भगवद गीता के तीसरे अध्याय में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड ही अनंत कोटि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के मूल का वर्णन है, केंद्र का वर्णन है। अक्षर संग परमात्मा प्रणव, यही ना पुरुष और प्रकृति सांख्यवादी कहेंगे, हम कहेंगे परमात्मा प्रणव यही सृष्टि का बीज है, मूल है, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म परमात्मा प्रणव। इसको जो जान लेता है वो जब चाहे तब ईश्वर का रुख समझकर ईश्वर कल्प हो जाता है। ईश्वर का रुख समझ करके जब चाहे तब सृष्टि में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना कर सकता है, पदार्थ को भी परिवर्तित कर सकता है, पदार्थ को भी परिवर्तित कर सकता है। हमारे एक वाक्य को एक बच्चा ने
अयोध्या का बच्ची। हाँ बच्ची थी, बच्ची थी। उसके पिता ने कहा देखिए आपके बात को सुन करके यंत्र से ये कुछ बोलेगी। 5 साल सिद्ध महात्मा अगर घट को पट कह दें तो झटपट घटपट हो जाता है, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाता है, पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प हो जाता है, पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी हो जाता है। वो सुना रहे थे, हम बहुत प्रसन्न हुए। तो ये सब सिद्धि से डरना नहीं चाहिए, समझ गए। सिद्धि बांध देती है। सिद्धि का अर्थ क्या होता है, फलोपलब्धि ना। 3 और 2 5 होता है तो सिद्धि है या नहीं, 5। फलोपलब्धि का नाम ही तो सिद्धि है। कहाँ से सिद्धि से बचेंगे, यम में अहिंसा की सिद्धि हो गई, उसकी कसौटी क्या है या नहीं। योगदर्शन अहिंसा की सिद्धि का फल आना चाहिए ना, सत्य की सिद्धि, अस्तेय की सिद्धि, ब्रह्मचर्य की सिद्धि, अपरिग्रह की सिद्धि। इसी प्रकार नियम में शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रधान की सिद्धि, एक एक आसन की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि, धारणा ध्यान समाध की सिद्धि आनी चाहिए या नहीं। सिद्धि से डरने की आवश्यकता नहीं। सिद्धि का अर्थ है क्या है, फलोपलब्धि। और सबसे ऊंची सिद्धि क्या है, सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। गीता ब्रह्म सिद्धि निष्कर्म सिद्धि सबसे उत्कृष्ट सिद्धि है। किसी ने कहा मान लीजिए आपको भगवान सिद्ध है, तो हमने कहा भगवान को मैं सिद्ध हूँ क्या हुआ अंतर। आपको भगवान सिद्ध है तो हमने संस्कृत में 2 वाक्य बोल दिया, सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में निष्काम सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। फिर मैंने कहा मैं भगवान को सिद्ध हूँ, जहाँ चाहें बैठा दें, जहाँ चाहें उठा दें। तो जैसे किसी को भूत सिद्ध हो जाता है, मैं भगवान को सिद्ध हूँ, भगवान मुझे सिद्ध हो या नहीं वो तो स्वतः सिद्ध है, लेकिन मैं भगवान को सिद्ध हूँ, ये घाटा हुआ क्या। भगवान ने मुझे सिद्ध किया तो सिद्धि भगवान उपासना की होगी क्या मुझे सिद्ध करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं जो भगवान सिद्ध है या नहीं ये मत पूछो, मैं भगवान को सिद्ध हूँ, बेके चो बिक जाऊँ, जहाँ चाहे उठा दें। इसलिए मैं कभी भी नहीं सोचता मेरी ये योजना कुछ नहीं, भगवान को मैं सिद्ध हूँ, जहाँ चाहे रख दें, जहाँ चाहे चले जाएं, जिस रूप में चाहे रख लें, कोई स्थान से वस्तु से व्यक्ति से शरीर से लगाव नहीं। हमने सम आज के प्रवचन का सार क्या हुआ, आज के प्रवचन का सार यही हुआ कि भरत जी, भरत ज्ञान में रत, भरत जी के जीवन में व्रत और नियम की पराकाष्ठा है, चातक के समान और हंस के समान उनके जीवन में टेक का विवेक की विभूति है। ऐसे भरत जी के चरण कमल की प्रथम वंदना, या तो महेश्वर ब्राह्मणों के चरण कमल की वंदना करते समय प्रथम शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, प्रणवों प्रथम महेश्वर चरण चरण, या प्रथम शब्द का प्रयोग किया है भरत जी के चरण की वंदना के समय, प्रणवों प्रथम महेश्वर चरण, प्रणवों प्रथम भरत के चरण, प्रथम शब्द का प्रयोग दोनों। जासु नियम व्रत जाई न वर्णा, राम चरण पंकज मन जासु लभु लुभ मधुपी तजतन पासु। भगवान राम चरण राम भद्र के चरण कमलों के दिव्यातिथि पराग और मकरंद में लुब्ध भ्रमर के समान मनो मिलिंद उनका इतना रमा हुआ है कि एक क्षण के लिए भी भगवत चरणारविंद का उसके पवित्र दिव्यातिथि पराग और मकरंद का परित्याग नहीं करता। तुलसीदास जी ने अपनी भावना व्यक्त की, मन मधुकर पन कह तुलसी पन कह प्रतिज्ञा पूर्वक रघुपति पद कलमल वसई हम। तो भारत जी के जीवन में जो दिव्यता है हम लोगों के जीवन में अवतीर्ण हो, इस भावना से प्रवचन को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो कहा जाता है या धर्मी का,
बीमारी का नाश हो या बीमार का अधर्म का नाश, ये संतों की वाणी। और भगवान जिसको पाप इतना प्यारा है कि मर जाए पाप नहीं छोड़े तो अधर्मी का विनाश कर देता हूँ। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृता, जीव तो नित्य है लेकिन तामस शरीर का भरण कर लेता हूँ, वो भगवान का काम है। हम लोग अधर्म का नाश हो, कुछ गुरुदेव कहते थे बीमारी का नाश हो या बीमार का नाश, अंतर है। बहुत बढ़िया, पुत्र सापेक्ष पितृ संज्ञा है या नहीं? पुत्र है तो पिता कहेंगे या नहीं? पुत्र के न रहने पर पितृ संज्ञा का लोप हुआ या पिता का लोप हुआ? शंकराचार्य संज्ञा माने नाम, पुत्र सापेक्ष पितृ संज्ञा है, पुत्र न रहने पर, पुत्र न होने पर पितृ संज्ञा का लोप होता है, व्यक्ति का ही लोप हो जाता है। ऐसे ही अधर्म का नाश होने पर अधर्मी संज्ञा का लोप होगा, व्यक्ति तो रह जाएगा, ये भी एक विचित्र बात है। पितृ संज्ञा का लोप होगा या व्यक्ति का ही लोप हो जाएगा, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो वो मुंबई में पूर्वाचार्य महाराज महाभाग के काली देवी चातुर्माश कर रहा था, एक रजनीश का चेला सुनने आया, उसको बहुत बुरा लगा धर्म का नाश हो। सबसे शरीर उन दिनों बहुत दुबला पतला था, सबसे कमजोर हमको ही समझा उसने, क्या कहते हैं अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। उसको बहुत कष्ट होता था, हमने कहा रजनीश के चले हो क्या? हाँ, अधर्म का नाश हो कहने पर भी कष्ट होता था। धर्म की अधर्म का नाश, अधर्म का नाश होते ही व्यक्ति अधर्मी नहीं रह जाएगा, उसका अस्तित्व रहेगा। प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। आज मैंने सुबह कहा था दोपहर में, कुछ लोग कहते हैं कहने से क्या होगा, मनोविज्ञान विहीन है। हम तो जो कहते हैं दिन रात उसके लिए लगे भी हैं, लेकिन भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी युद्ध किसकी ओर से करते थे? दुर्योधन कौरवों की ओर से, और मिल्द युद्ध नहीं, पूरी क्षमता लगाकर। लेकिन एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से चाहे दुर्योधन के गुप्त बताते थे दुर्योधन, ओ बुढ़े लोग हैं छोड़ दो, भावुक लोग हैं, युद्ध करने में तो कोई कोई कसर नहीं रखते। उच्च स्वर से क्या कहते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय हो, समझ गए? उनकी वाणी सत्य से धुरी, युद्ध भले ही वो दुर्योधन की ओर से करते रहे लेकिन उच्च स्वर से। आज मैंने सुनाया कहीं आया हुआ, गांधारी माँ थी ना, जब दुर्योधन युद्ध के लिए जाता माँ को प्रणाम करता, माँ ये नहीं कहती विजयी भा, यतो धर्म सतो जय है, बेटा जहाँ धर्म है वहाँ जय है। गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी हो, जहाँ धर्म है वहाँ मारा गया दुर्योधन, माँ का हृदय था, रोने लगी। वेदव्याजी ने समझाया वो दिन, याद रखो कहती थी ना कि या तो धर्म तत्व जाए, उन्होंने कहा बात वही सत्य है, बेटा मर गया तो कष्ट है लेकिन या तो धर्म तत्व जाया है। तो युद्ध करते थे दुर्योधन आदि की ओर से, वो क्यों करते थे? अगर दुर्योधन को वो साथ ना देते, दुर्योधन में क्षमता नहीं थी कि पांडवों से भिड़ता, पांडवों से नहीं भिड़ता तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। कभी कभी सज्जन भी दुर्जनों का पक्ष लेते हैं तो उन सज्जनों को दुर्जन नहीं मानना चाहिए। अब इतिहास ले लीजिए, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के हाथ में ही विश्व का नेतृत्व होता है। उधर शुक्राचार्य उधर बृहस्पति दोनों समधि हुए या नहीं? कचौ देवी शत्रुता थी क्या? एक विशेष बात है, उधर शुक्राचार्य भी
श्रोत्री थे, ब्रह्मिष्ट थे, इधर बृहस्पति जी भी। दोनों में अगर शत्रुता अंदर से होती तो कच और देवयानी का विवाह कैसे होता। असुरों में वह क्षमता नहीं कि वो अपना नेतृत्व भी संभाल सकें। पोल पट्टी खोलने के लिए गीता का एक वाक्य ही भगवान का पर्याप्त है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। असुर जितने होते हैं उनका आगे बढ़ना भी विफल, पीछे हटना भी विफल। न प्रवृत्ति के स्वरूप को जानते न निवृत्ति के। जीवन में दो ही तो गति है, या तो प्रवृत्ति या निवृत्ति, आगे चल पीछे ला। तो जितने दुष्ट होते हैं न प्रवृत्ति उनकी सफल होती है न निवृत्ति, दुष्टों का जीवन व्यर्थ होता है। प्रवृत्तिम से निवृत्तिम से जनाना विदुरासुराः। ऋग्वेदादि में असुर शब्द प्रशंसा के द्योतक, असुरिया नाम ते लोका, यहाँ पर निंदा का द्योतक। ऋग्वेद में असुर शब्द प्रशंसा निंदा दोनों के द्योतक होते हैं। प्रसंगानुसार असु उपलक्षित प्राणोपलक्षित अनाकृत वस्तुओं में जिसका रमण हो वो असुर। दूसरा अर्थ होता है जो बलिष्ठ हो उसका नाम असुर। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति संपन्न हो, इसलिए असुर शब्द प्रसंगानुसार निंदा का वाचक भी होता है, प्रशंसा का वाचक भी होता है। धर्म संकेत किया, धर्म अधर्म का नाश हो, अधर्मी का नाश नहीं, अधर्मी संज्ञा अपने आप नष्ट हो जाएगी जब अधर्म का नाश हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वो माता की। अब कोई कह सकता है कि विश्व का कल्याण हो, कहते रहिए कल्याण हो जाता है। उत्तर मैंने पहले दिया, मेरी भावना है गंगा जी अविरल निर्मल हों, जब हों भौतिक धरातल पर तब हों, लेकिन गंगा स्वप्न में सिद्धों के साथ गंगा के तट पर एक महीने में एक दो बार घूमता हुआ पाता हूँ। गंगा जी में स्नान करता हूँ, गंगा जी खूब प्रसन्न होकर जल प्रदान करती हैं, तो मुझे तो लाभ हुआ है। सिद्धों के साथ जिन सिद्धों का दर्शन भी कठिन है, स्वप्नावस्था में गंगा तट पर विहरण करता हूँ, गंगा जी का पान भी करता हूँ, गंगा जल में स्नान करता हूँ, मुझे तो लाभ हो रहा है ना। गंगा जी अगर निर्मल हो तो विश्व का कल्याण हो, जब होगा होगा, कहने वाले का तो कल्याण होगा, उसके आसपास तो वातावरण बनेगा हरान भर। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सनातन धर्म।